इक्वली। हाँ अगेन डू इट। ओके गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, यस गुड मॉर्निंग। सो यस एवरीवन, सेटल ऑन पास, सब जल्दी से बैठ जाओ। यस सब एकदम सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, सिट स्ट्रेट। और बेंच पे क्यों कॉपी दिख रही है मुझे, नोटबुक क्यों दिख रही है, हमेशा बोलना पड़ेगा बेटा। सिर्फ स्टेम क्लास की आपकी जो है नोटबुक होनी चाहिए और पेन पेंसिल होनी चाहिए, नथिंग एल्स। और आपने कुछ नहीं लिखना, मैंने तो अभी तो कुछ बोला ही नहीं आपको लिखने को। यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग। सब अपनी नोटबुक पहले बंद कर दो, अभी तो मैं कुछ पूछ ही नहीं रही। और अपना असाइनमेंट निकालो, टेक आउट योर असाइनमेंट। सब असाइनमेंट निकाल लो और आपकी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, नथिंग एल्स। आपके डेस्क पे मुझे और कुछ नहीं दिखना चाहिए। ये सिक्स है, सेटल डाउन फास्ट। सिक्स है, जल्दी से सेटल डाउन हो बेटा। एवरीवन सेटल डाउन फास्ट। सबने असाइनमेंट निकाल ली है? यस, सबकी असाइनमेंट उनके पास है। यू ऑल हैव असाइनमेंट विद यू? यस। ओके, अब मुझे कौन बताएगा कल जो हमने पढ़ा था कहाँ तक पढ़ा था और कौन से क्वेश्चंस मैंने करने को दिए थे? लास्ट क्वेश्चन क्या था? हु विल टेल मी? रेज योर हैंड, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन? ओके सिक्स थी से फर्स्ट बेंच आ जाओ बेटा। और कल कौन सी क्लास विनर थी? विच क्लास वाज द विनर ऑफ लास्ट क्लास? मैम इस सेक्शन क्वेश्चन मैम डिफरेंस बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। ओके दैट्स गुड। एंड हु वाज द विनर ऑफ लास्ट सेशन? कल के सेशन का विनर कौन था? ई ओके ओके ओके। तो आज भी हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं, आपका राउंड स्टार्ट होएगा, ठीक है। सो बी एक्टिव, बी अलर्ट, ठीक है, सभी अलर्ट हो जाना है। सो अलर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन चाहिए ब्रेन को, कैसे दोगे? टेक अ डीप ब्रेथ, लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। सिट स्ट्रेट, फर्स्टली रब योर हैंड फास्ट फास्ट। And now put your hand on your eyes. Okay, that's really good. Now it's time to take a deep breath. So inhale, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in. And breathe out. That's really good. So, हमने कल जहां से छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ इसको और इसको हम क्या कहेंगे? ए को हम क्या कहेंगे और बी को? तो मैं नाम बोलूंगी, वो बताएंगे। सिक्स ए, सिक्स ए से आ जाओ। जस्ट अ मिनट, जसमन वॉज एबसेंट या लास्ट डे? जसमन सिक्स डे, जसमन। यस जसमन, यू टेल मी अबाउट ए। और सिक्स ए से दिवांश आ जाओ, दूसरा दिवांश। यस तो जसमन आप मुझे ए के बारे में बताओगे एंड दिवांश यू विल टेल मी अबाउट द बी। व्हाट डू वी कॉल दीस? ठीक है, हम इनको क्या कहते हैं? ए को क्या कहते हैं जसमान? यू टेल मी। मैं
Yes, Jasmine, what do we call it? Yes, beta. Okay, Tibash, you tell me. A ko kya kehte hain? Ray. Yes, that's good. Sit down. Same class se Arman Bhumla aa jao. Arman is present. Yes, beta. अब आप मुझे बी का बताओ क्या कहते हैं बी को. सब लिखो अपनी नोटबुक पे बेटा, सबने अपनी नोटबुक पे लिखना है. राइट डाउन इन योर नोटबुक. यस, व्हाट डू वी कॉल बी? बी क्या है? ये बी जो बना रखा है, बी के नीचे जो मैंने एरोस कर रखे हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? बेटा कोई और नहीं बताएगा. यू आर नॉट हेल्पिंग हिम. ये हेल्प नहीं हो रही. जब बहुत सारी रेस मिल जाती हैं तो क्या बनती हैं? ओके, सिक्स बी से आ जाओ. मनन, सिक्स बी मनन. मनन Yes, 6B, Manan. B में है Manan? He is in D section. Okay, he is in D section now. Okay, Manan, you tell me. B को हम क्या कहते हैं? What do we call B? तो क्या कहते हैं? बेटा आवाज नहीं आ रही. फिर कितने बेटा? आशीष मोर आ रहा है आपका. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. विक्रम आ जाओ. सिक्स बी विक्रम. विक्रम क्या क्या कहते हैं? विक्रम आपको क्या कहते हैं? बीम. इट इज कॉल्ड बीम. जब अकेली होती है सिंगल इट इज कॉल्ड रे. जब वो रेज आपस में इकट्ठी हो जाती है, व्हेन दे क्लब टुगेदर, व्हाट डू वी कॉल इट? बीम ऑफ लाइट. ओके, सो इट इज कॉल्ड बीम. सो नाउ मूव अहेड. सो ये क्वेश्चन था जो हमने लास्ट कल छोड़ा था. ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट? तो इसके लिए आई एम गोइंग टू कॉल फ्रॉम सेम 6B अभिजोत. अभिजोत 6D प्लीज साइलेंट. मैम, व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ अभिजोत? What is the role of Abhijot? There are two Abhijot. दो है. पहला आ जाओ जिसका पहला रोल नंबर पड़ता है वो आ जाए. मैंने चेंज करते रहा था ना जिसका मुझे लगा मैंने. Yes. Yes, बेटा बताओ क्वेश्चन का. अच्छा पैरेलल बीम ऑफ लाइट बता दो. चलो सिर्फ पैरेलल बता दो. अच्छा मैथ्स में पढ़ा है हमने पैरेलल रेस या पैरेलल लाइंस? हैंड रेस करो अगर पढ़ा है तो. पैरेलल लाइंस कुछ नहीं पढ़ा है? बाकी सबको नहीं पढ़ाया गया? रेज योर हैंड्स. सभी ने पढ़ा होगा. अगर एक ने पढ़ा है तो बाकी सबने भी पढ़ा ही होगा. सबका सिलेबस सेम ही है. यू आर फॉलोइंग सेम सिलेबस इजंट इट? है ना? सो यस, सिट डाउन अभिजोत. कमिंग टू 6C सिमरनप्रीत. 6C सिमरनप्रीत.
बेटा जिस क्लास में सिमरनप्रीत है उसमें जो माइक जिसके पास है दैट इज योर ड्यूटी टू कन्वे टू मी दैट दैट पर्सन इज प्रेजेंट और एब्सेंट. सिमरनजीत इज प्रेजेंट और नॉट. ओके हैरी इज प्रेजेंट. सिक्सी हैरी हैरी इज देयर. आई थिंक सिक्स इज मर्ज. सिक्स ही मर्ज हो गई बैठी है. आज यस कौन सी क्लास में बैठी है? सिक्सटी ओके हैरी ई आल्सो इज देयर. ओके कैन बेस्ट यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल बीम ऑफ लाइट? व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल बीम ऑफ लाइट? पैरेलल बीम भी छोड़ो, पैरेलल लाइंस क्या होती है? डू यू नो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? द लाइंस विच आर थ्री विच आर थ्री. थ्री ओके बेटा सिट डाउन. सिक्स सी से हरनूर. हरनूर इज प्रेजेंट. हरनूर मैम प्रेजेंट ओके हरनूर टेल मी सेम क्वेश्चन आंसर. व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल बीम ऑफ लाइट? बेटा आपने उठा के से ऑफ कर दिया. सब अपना माइक डेस्क पे रहने दिया करो, वहां से भी आवाज आती है. यू नो यू डोंट नीड टू यू नो पिक इट. यस नॉट विच असेट विद ईच अदर डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर. दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड. सो हरनूर इज राइट दैट डजंट इंटरसेक्ट विद ईच अदर. सो अगर हम पहले बीम की बात करें, सभी क्वेश्चन नोट करो पहले, देन आई विल टेल द आंसर. राइट डाउन द क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट? फर्स्टली नोट डाउन, देन आई विल टेल द आंसर. ओके सो पैरेलल बीम्स बेटा एज यू ऑलरेडी लर्न इन योर मैथ्स. ओके यू ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस इन योर मैथ्स ऑलरेडी. व्हेन वी से पैरेलल, अभी आपकी जो रोज बनी है जिसमें आप बैठे हुए हो, आई कैन सी थ्री रोज है यहाँ पर. सो दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. कहीं मिल नहीं रही, कहीं जुड़ नहीं रही, एक एक रो आपस में अलग है. सो यू ऑल आर सिटिंग इन पैरेलल वेज. हियर यू कैन सी व्हेन दिस लाइट एंड दिस लाइट ओके दे आर ट्रेवलिंग इन इन दिस वे. यहां पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर है. ठीक है सो इट विल रिमेन लाइक दिस थ्रू आउट दिस. आगे से लेके पीछे तक इनका डिस्टेंस सेम रहेगा. दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट विद इच अदर. इंटरसेक्ट मतलब कहीं मिलेंगे नहीं है. सो दीज आर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जो वो सीधी जा रही है बिना एक दूसरे से टकराए हुए. That is parallel beam of light. अब आ जाता है next convergent. Who can tell me about the convergent beam of light? When we are saying convergent, what do we understand by convergent? मैम इन कन्वर्जेंट मैम द रे ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट वो तो बेटा डाइवर्जेंट में मिलेंगे, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट देन? बिकॉज डाइवर्जन मैम स्कैटर द रे ऑफ लाइट That's good, that's good. Yes. So in convergent, convergent में क्या होता है? यहां से रेज स्टार्ट हुई है. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? दे आर मीटिंग. वो एक जगह मिल रही है. दिस पॉइंट यहां से आ रही है. दे आर कमिंग फ्रॉम दिस एंड दे आर मीटिंग एट सर्टन पॉइंट. सो दिस इज कन्वर्जेंट. ओके सो दिस इज कन्वर्जेंट. यहां से आ रही है और एक पॉइंट पे मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है. ठीक है दैट इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. इसी का ऑपोजिट आ जाता है डाइवर्जेंट. ऑपोजिट ऑफ दिस इज डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट मीन्स डाइवर्ट होना, बिखरना. अब जो लाइट यहां से सारी की सारी स्टार्ट हो रही है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, बट दे आर नाउ
डाइवर्टिंग और वी कैन से स्कैटरिंग. सो दिस इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में ये डिफरेंस है. कन्वर्जेंट में वो मिल रही है, डाइवर्जेंट में वो एक पॉइंट से बिखर रही है. ओके, सो दैट इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. इज इट क्लियर? रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर. ओके, सो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. इज वेरी इजी, जस्ट रिमेंबर इट. कौन से याद कर लो, कौन मतलब क्या हो गया यहाँ पर, हम कॉन्सेंट्रेट मतलब कहीं पर हमने एक जगह दिमाग लगाना, एक जगह चीज हमने इकट्ठी करनी. तो यहाँ पर हम लाइट को इकट्ठा कर रहे हैं. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सबने लिख लिया है? नो ओके ओके, तो एंड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्लास बी रेडी. 6th D, 6th D में से गुरलीन आ जाओ बेटा. मैडम खिला रही हूँ, बाद में लिखना 2 मिनट. मैडम को ये बोले 2 मिनट. व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? डज शैडो शो लेटरल इन्वर्जन? यस बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, अगर आप बोल रहे हो. यस, व्हाट इज लेटर इन्वर्जन? मैंने आपको बेटा एक कल दिखाया था, एक चीज दिखाई थी कल. आई हैव शोन यू समथिंग. एक आप ही का स्कूल का मैंने करके दिखाया था, एमआरसी वाला. सबको याद है कुछ एमआरसी का क्या था? मैंने ये लिया था एमआरसी, सबको दिख रहा है? कैन यू सी एमआरसी? यस ये सबको मिरर दिख रहा है? अब ये दिख रहा है? मैम यस इज इट सेम लाइक दिस और इट्स डिफरेंट? मैम इट्स डिफरेंट अगर मैं ये यहाँ पर रख दूं और एक, आपको ये दोनों अब साथ में दिख रहे हैं, सो ये दोनों सेम लग रहे हैं? नो डिफरेंट लग रहे हैं? यस तो व्हाट डू वी कॉल इट? लेटरल अब लेटरल इन्वर्जन में हुआ क्या ये बता दो जरा. इन्वर्जन जो एम है, आर है और सी है, वो चेंज हुआ है? कैसे चेंज हुआ है? साइड वाइज या अपसाइड डाउन? साइड साइड वाइज साइड वाइज वाइज. तो इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. सिट डाउन बेटा. सो राइट डाउन आंसर ऑफ दिस एवरीवन. इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना वेयर एन इमेज, वेयर एन इमेज, इट इज द फिनोमिना वेयर एन इमेज अपियर्स रिवर्स्ड, अपियर्स रिवर्स्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपियर्स रिवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ मिरर, इन अ मिरर. तुमने लिख लिया? और शैल आई रिपीट? यस रिपीट. ओके, इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना वेयर वेयर एन इमेज, वेयर एन इमेज अपियर्स रिवर्स्ड, अपियर्स रिवर्स्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ मिरर. जहां पर आप लेफ्ट टू राइट लिख रहे हो उसके ब्रैकेट में वाइस वर्सा लिख देना. वाइस वर्सा मतलब होता है चाहे लाइट लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो, एक ही बात है. वाइस वर्सा. यस
इज नॉट विजिबल. Write down vice versa. I think this was the last question. Now take out your assignment. असाइनमेंट निकालो और हम स्टार्ट करते हैं एक्लिप्स. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्लिप्स. ओके, एम थ्री जो है एम थ्री पार्ट से एक्लिप्स से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस. सो नाउ फॉर दिस आई एम कॉलिंग सेजल फ्रॉम 6D. मैम हाँ जी मैम, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन देयर मैम. डस शैडो मेक अ लेटरल इवेंजर? यस 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 Sub part of that. Yes, what would be the answer of this? Ma'am, no ma'am, because ma'am, image gives a detail and shadow is only the outline of the object. Yes, that's good. So answer of that second part is no. Shadow doesn't undergo lateral inversion. ठीक है, सिर्फ इमेज में लेटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट राइट होता है, शेडो में नहीं होता. यस 60 बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही. 60 सेजल. ओके सेजल खड़े है, सेजल है. तो सेजल यू टेल मी द आंसर ऑफ M3 का फर्स्ट जो है. ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स विच सेलेस्टियल बॉडी इज पोजिशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मुझे फिंगर से बता दो. एंड मैम प्लीज चेक द माइक. You are saying one, the moon. That's correct. So everyone, in your assignment mark, one ka answer is A. One answer is A, the moon. So the eclipse mein, just sit down, beta. That we have. Okay, this. Coming to second, what phase is the moon in during a solar eclipse? So from 6D, Rhea is there. 6D, Rhea. Rhea is present. 6D, Rhea. Our next question ke liye, 6E se just current, be ready. 6E just current, be ready for the next question. Yes, Rhea, tell me the answer of second question. What phase is the moon in during a solar eclipse? हमने कल किया था सोलर एक्लिप्स कब होता है, मून कौन से फेज में होता है, फुल मून होता है या न्यू मून होता है? फर्स्ट ऑप्शन, दैट्स गुड. सिट डाउन बेटा. यस दैट आल्सो करेक्ट. ठीक है, न्यू मून पे होता है सोलर एक्लिप्स में. ए सेक्शन प्लीज बी साइलेंट. बेटा बहुत नॉइस आ रहा है आपसे, प्लीज बी साइलेंट. कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन नाउ, इट इज द टर्न ऑफ ई सेक्शन जसकरण. जसकरण के बाद पार्थ जो है, पार्थ फ्रॉम सेम सेक्शन, बी रेडी. Now third question, which of the following can be seen during the total solar eclipse? Total solar eclipse. So this question is for Jaskaran. Jaskaran? And B part. B part, yes. So what is the B? I am telling you, sit down beta, that's correct. So solar is sun hai. Ma'am, the sun corona saw the outline. Yeah, so that is what I'm saying. So this is moon in front of sun, but हमें यहाँ side से जो एक ring सी दिखती है, that is corona. Okay, so that is what we meant by. ठीक है? Now coming to, okay, this was from class E ना.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द पार्ट कोरोना मैम, द आंसर ऑफ कोरोना लाइक इज द आउटलाइन वाज ऑफ फ्रॉम द 6th क्लास मैम. ओके ओके, सो नाउ कमिंग टू 6th ई पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पेनम्ब्रा एंड अम्ब्रा, द शैडो फॉर्मेशन ड्यूरिंग एन एक्लिप्स. बी ऑप्शन. यस इट्स बी. सिट डाउन बेटा, दैट्स गुड. ओके नाउ फ्रॉम द सेम सेक्शन नितिन शर्मा, नितिन शर्मा फ्रॉम सेम सेक्शन. सो वी हैव डन फोर क्वेश्चन, फोर्थ इज तो नितिन शर्मा योर क्वेश्चन इज फिफ्थ, ये आपको दिख रहा है ठीक है. इट्स वेरी इजी, यू हैव टू मार्क आइडेंटिफाई द अवर डायग्राम. पहले तो पहला डायग्राम वो क्या है, कौन सा एक्लिप्स शो कर रहा है, टेल मी दैट. लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, बिकॉज सन की जो रेज है वो मून पे नहीं पड़ पा रही है. अर्थ इज ऑब्स्टिकल हेयर, अर्थ इज ऑब्स्टिकल हेयर. सेकेंड पार्ट बेटा, इसमें से डार्क शेडो को क्या कहेंगे और जो लाइट शेडो व्हाट डू वी कॉल. जो डार्क शेड होती है उसको क्या कहते हैं इन द क्वेश्चन. इसमें है जो भी हमने पढ़ा है ना बेटा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की शेडो बनती है, किसी ऑब्जेक्ट की शेडो बनती है, सपोज कर लो दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी शेडो बन रही है यहाँ पर. अब जो शेडो बनती है जो सेंटर पर इट इज अ डार्क पार्ट. And the dark part is called umbra and the lighter part is called penumbra. Yes. So this is umbra. I'm from 6th class. Yes, yes. Yes, I can. Excuse me, ma'am. Ma'am, our voice is coming. Yes, yes. So this is penumbra. Everyone note down अपने उसमें असाइनमेंट में, सब नोट करो. नाउ कमिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सो वी हैव डन विद 6th ई, 6th ई तक का हमारा आंसर हो चुका है. नाउ कमिंग टू 6th एफ, खुशदीप, 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 खुशदीप के बाद बी रेडी करणवीर सिंह. खुशदीप के बाद करणदीप, करणवीर सिंह, देन युवराज एंड देन टेन. प्लीज अपना ऑर्डर संभाल के रखें, याद करें, खुशदीप, देन करणवीर, देन युवराज, देन हितेन. ठीक है, तो अब इनकी टर्न है नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर करने की. तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम खुशदीप, हाउ कैन वी सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. खुशदीप, यस खुशदेव, हाउ कैन वी सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अभी आपको अपने चारों तरफ जो चीजें दिख रही है, हाउ कैन यू सी दैट. बेटा बताना नहीं है, 6th एफ, आई कैन सी फर्स्ट बेंच गर्ल, यू आर नॉट हेल्पिंग हिम आउट. लेट हिम अंडरस्टैंड, लेट हिम यू नो थिंक अबाउट दिस. यस बेटा बोलो, 6th एफ, डू यू नो द आंसर, यस और नो, फर्स्ट यू टेल मी. Yes, Kushdeep, do you know the answer of this? No. Okay, sit down, beta. Sit down. Coming to Karanveer, do you know the answer of this, Karanveer? Ma'am, kiska? How can we see different objects? Ma'am, with light. Yes, with light, but how? How let light help us to see objects? ऑब्जेक्ट पास तब भी पड़े होते हैं जब कमरे बाय रिफ्लेक्टिंग, बाय रिफ्लेक्टिंग, यस दैट्स द करेक्ट आंसर. यस सिट डाउन बेटा. सो यस करणवीर इज राइट. सो बेसिकली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट डाउन एवरीवन, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है. अगर हमारे पास, हमने ये चीज देखनी है, अगर ये हम कहते हैं ये टेबल है एंड वी कैन सी दिस बिकॉज लाइट, जो ये लाइट है इस पे फॉल कर रही है, इस पे गिर रही है, और जब इस पे गिर रही है तो वो टकरा के वापिस आ रही है. जैसे अगर हम बॉल को दीवार पे या ग्राउंड पे फेंकते हैं, वापिस आती है, बाउंस बैक होती है. द सेम वे लाइट ऑल्सो बाउंस और फिर वो हमें यहाँ पर दिखती है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन सी इट. तो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, हाउ मेनी कलर्स कंबाइन टू फॉर्म व्हाइट लाइट. सो इट्स फ्रॉम युवराज, ये सिंपल, सेवन लाइट्स लाइट्स और सेवन कलर, दैट्स गुड, सिट डाउन. तो वो कौन से कलर है, सबने रेनबो देखी है. रेनबो में जो सेवन कलर्स होते हैं, विव ग्योर जो बनता है, निमोनिक्स जो है इसका, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, राइट डाउन बेटा, सबने लिखना है ये, यू हैव टू नोट डाउन. येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो दी सेवन कलर्स मेक व्हाइट कलर, और वी कैन से व्हाइट कलर इज मेड अप ऑफ दी सेवन कलर्स, और यू नो दीज कलर्स कंबाइन टू फॉर्म व्हाइट कलर. ओके, नाउ कमिंग टू हितेन. ओके हितेन, यू हैव टू टेल व्हाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट कलर्स. मैम बिकॉज दे ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट द लाइट. दे ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट लाइट डिफरेंटली, है ना. अब जैसे आपकी क्लास में सभी बैठे हैं, अब मैं कुछ चीज समझा रही हूँ, ओके, अब ऐसा तो नहीं है सबको एक ही लेवल पे अभी इस टाइम समझ आ रहा है. कईयों को एक बार बोलने पे ही समझ आ रहा है, कईयों को दो बार बोलने पे समझ आ रहा है, कईयों को तीन बार बोलने पे समझ आ रहा है, सेम चीज है, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इन डिफरेंट वेज. ठीक है, सिमिलरली जो लाइट है, कुछ कलर्स ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ कम करते हैं, और इसी के बेसिस पे हमारे ये सेवन कलर्स बने हैं. ठीक है, दीज सेवन कलर्स आर बिकॉज ऑफ देयर वेवलेंथ, जो आपको सर ने पढ़ाया था, इनकी जो एब्जॉर्बिंग पावर है दैट इज डिफरेंट. तो दे रिफ्लेक्ट डिफरेंट कलर्स. ठीक है, सो हियर यू कैन सी आर आईज, आर आईज, राइट डाउन बेटा, आर आईज परसीव, बेटा परसीव परसीव, आर आई परसीव कलर्स, परसीव कलर्स अकॉर्डिंग, कलर कलर्स अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू, टू वेवलेंथ, वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ ओ रिफ्लेक्टेड लाइट. रिफ्लेक्टेड ओके, लाइट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ. अब ये ओपन क्वेश्चंस हैं, नाउ दीज आर ओपन क्वेश्चन, जिसको आंसर आता है जस्ट रेज योर हैंड. ठीक है, किसी ने बोलना नहीं है जब तक मैं उसको बोलूंगी, सिर्फ हैंड रेज करना है. ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. सो क्वेश्चन नंबर फोर, सो सिक्स डी फर्स्ट बेंच गर्ल, जिसका सबसे पहले हाथ खड़ा हुआ, चलो बेटा बताओ. थर्ड ऑप्शन द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. बेटा ये तो ऑप्शन अकेला है ही नहीं, नीचे देखो ए बी सी डी अलग है, उसमें इनका कॉम्बिनेशन है.
और किसको आंसर आता है? सिक्स है फर्स्ट बेंच गर्ल बेटा। मैम सी मैम, सेकंड एंड थर्ड ओनली। फर्स्ट नहीं होगा? मैम नो मैम, यस वही तो मैम, द सी ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली। ओके सिक्स बी फर्स्ट बेंच। फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो डी ऑप्शन हो गया, यस डी हो गया। अब आ जाते हैं क्यों है फर्स्ट वाला पार्ट भी करेक्ट, क्योंकि अब बेटा मिरर है, दिस इज अ मिरर। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, अब इसका डिस्टेंस यहां से मिरर से 10 सेंटीमीटर है। जो इसकी इमेज फॉर्म होगी उसका डिस्टेंस भी मिरर से जो पीछे बन रहा है, ठीक है, जो यहां पर बन रहा है, इट इज सेम, इट इज 10 सेंटीमीटर ओनली। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी सेम, इवन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर। बाकी आप नेक्स्ट जब आप 7th में जाएंगे तब पढ़ेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर। साइज विल बी सेम, साइज विल बी सेम, डिस्टेंस विल बी सेम, सो ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? मैम ओके सो नाउ 5th क्वेश्चन। इज स्टूडेंट फ्लैश अ लाइट फ्रॉम सोर्स ऑन अ मिरर एज शोन, इन विच डायरेक्शन इज द लाइट लाइकली टू बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर? सो हैंड रेज करो। ओके सिक्स है सेकंड बेंच गर्ल, सेकंड बेंच गर्ल। यस यस M towards R. टूवर्ड्स आर, यस दैट्स राइट, दैट्स राइट। सो अगर हमने यहां पर कहा है, ओके सो एक क्वेश्चन में अगर जो इमेज बनी है उससे बनी है कि यहां से आ रही है, तो ऑब्वियसली यहां को जाएगी, तो इस पॉइंट पे कौन सा मार्क किया हुआ है हमने? आर। सो आर इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू सिक्स, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? सिक्स ई से सेकंड बच्चा जो नीचे बैठा है बेटा आ जाओ, सिक्स ई सबसे पहले आपका हाथ खड़ा हुआ है। बी ऑप्शन, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। सो यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेफ्ट राइट इन्वर्जन हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। नाउ कमिंग टू 7th, एक कार्ड विद द वर्ड बल्ब रिटन ऑन इट, इट इज अपियर्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर। द इमेज ऑफ द वर्ड बल्ब सीन इन द मिरर इज, ओके मुझे आंसर चाहिए 6A से, आई नीड आंसर फ्रॉम 6A। तो 6A में आ जाओ बेटा, थर्ड बेंच गर्ल, आ जाओ कॉर्नर में जो है आ जाओ। ओके बेकार बेकार ए, यस इट्स करेक्ट, इट्स ए, ठीक है। नाउ कमिंग टू 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इज द पिक्चर शोइंग रिफ्लेक्शन और शेडो ऑफ ताजमहल? तो इसमें दो बनी हुई है, तो फर्स्ट वन को ए कर दो, सेकंड वाली को बी कर दो, ठीक है। सो हैंड किसका रेज? अभी तक हैंड नहीं रेज हुआ किसी का। ओके सिक्स एफ से फटाफट हो गया सेकंड बेंच गर्ल, आ जाओ बेटा। मैम ए ऑप्शन। इट इज नॉट अबाउट ऑप्शन, इट इज यू नो क्वेश्चन इज आस्किंग विच वन इज शोइंग रिफ्लेक्शन एंड विच वन इज शोइंग शेडो। ओके सिक्स सी से आ जाओ, सिक्स सी फर्स्ट बेंच गर्ल बेटा। यस
मैम ए रिफ्लेक्शन एंड बी शेडो। दैट्स करेक्ट। सो रिफ्लेक्शन क्यों है फर्स्ट वाला? हियर यू कैन सी, सब कुछ आपको दिख रहा है, जो इमेज में दरवाजे बीच में आ रहे हैं, पिलर में इज कितने कलरफुल इमेज बिकॉज कलरफुल इमेज। व्हाइल इन द सेकंड पार्ट यू कांट सी एनीथिंग, सिर्फ एक आउटलाइन दिख रही है कि हाँ ये बाउंड्री है, दैट इज द बाउंड्री, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक इन कलर, एवरीथिंग ब्लैक इन कलर, सो दैट्स व्हाई इट्स शेडो। ठीक है, सो एनी डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में? मैम इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी, जस्ट रेज योर हैंड, डोंट शाई। कोई भी डाउट है बेटा डू आस्क। यस दिखता है, मिडल रो सेकंड बेंच गर्ल, आपका हाथ खड़ा होता बेटा। यस एनी डाउट? नो शी इज सेइंग नो। ओके ओके, किसी और को कोई डाउट बेटा इस चैप्टर में? बिकॉज वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे। 6B, ये सेकंड लास्ट बेंच बेटा, आ जाओ। केस स्टडीज पेंडिंग। केस स्टडीज पेंडिंग। ओके अभी हैज गिवन इट एज अ होमवर्क। ओके, सर हैज गिवन यू एज ए होमवर्क, सो यू ऑल हैव डन और नॉट? वी हैव डन You have done na? I think she must be absent that day. यस। सबने कर लिया है ना? You have done na? Yes. Excuse me, ma'am, ma'am नहीं Okay, चलो let's do it. When we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. These circular images are in fact pinhole images of the sun. A gap between the leaves act as the pinholes. Are the kind of irregular shapes, but we can see circular images of the sun. This is called natural pinhole camera. So first question के लिए hand raise होने चाहिए, which of the following act as pinhole camera or pinhole in the natural pinhole camera? So it is already given in the question. If you go through, अगर आपने देखा है तो, if you learned or मैम you गैप्स ऑफ मैम गैप्स so it's B. It's already given in third line में बेटा क्वेश्चन में आंसर दे रखा है, ठीक है? Second, which of the following is true about natural pinhole camera? तो sixth first bench पर आ जाओ बेटा। ऑप्शन Which option है? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी और सी। सी ऑप्शन वी सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैम बिकॉज़ मैम व्हेन द लाइक व्हेन इट इज लाइक बिटवीन द गैप मैम वी सी इट इन्वर्टेड यस इन्वर्टेड सर्कुलर इमेज ऑफ द सन। यस यस ठीक है। Now third, what is required to create the pinhole? That's good. Pinhole camera produces an C option, inverted and small image. ठीक है? So now और कोई doubt? बाकी सब में कोई doubt या कुछ रह गया हो? You can ask me. So now, okay. So now let me tell you again, the winner of today's session is again 6F. 6F ने सबसे ज्यादा रिप्लाई दिया है, उसके बाद आता है 6E, सेकेंड नंबर इज 6E, देन आता है 6D, ओके? F रिवर्स ऑर्डर में चला ये सारा। सो दैट्स रियली गुड, आज ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ज्यादा आंसर दिया। नाउ नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट एबीसी टू बी मोर एक्टिव, ठीक है? आपने भी आंसर दिया, ऐसा नहीं है कि एबीसी ने नहीं दिया, यू ऑल हैव गिवन, बट यू नीड टू मोर, ठीक है? अच्छा अब बेटा कल से, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू हैव मैथ क्लास, कल से आपकी मैथ क्लास है डेसिमल्स की,
मैम दर्शन कर रहे हैं के पास।